माँ नर्मदा के इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में नामी नेमावर में अनंत काल से भक्त आते रहे हैं और माँ नर्मदा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। विगत 10 वर्षों से माँ नर्मदा सेवा साधना संस्कार समूह के द्वारा माँ नर्मदा का ये पावन जन्मोत्सव मनाया जाता है, जहाँ माँ नर्मदा को 56 भोग अर्पण करते हैं, वहाँ आरती अर्पण होती है और माँ नर्मदा के स्वरूप में कन्या का पूजन करते हैं, जहाँ सभी संत महापुरुष दूर दूर से भक्त पधारते हैं और माँ नर्मदा के इस पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सम्मिलित होते हैं। माँ नर्मदा जीव जगत का कल्याण करने के लिए ही जरा धाम पर पधारी है। हम इस जन्मोत्सव के रूप में माँ नर्मदा को धन्यवाद अर्पण करते हैं। माँ नर्मदा हमसे जिस तरह जीवन रहते हुए जीवन के बाद भी जीव जगत को तार रही है, तो हम उनके चरणों में अपनी भक्ति में ही भेंट स्वरूप जन्मोत्सव के पुष्पांजलि समर्पित करते हैं उस दिन, और माँ नर्मदा के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो उनके अस्तित्व को जिस तरह से खनन करके और माँ नर्मदा के जल में अपशिष्ट पदार्थ डालकर जिस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है, तो हम सभी भक्त प्रार्थना करते हैं कि सबको सदबुद्धि मिले, सदमार्ग मिले और माँ नर्मदा का अस्तित्व इस धरा धाम पे अनंत अनंत काल तक ऐसे ही रहे और माँ नर्मदा जगत का कल्याण करती रहे। इस तरह माँ नर्मदा के जन्मोत्सव को हम मनाते हैं। आप सभी को माँ नर्मदा के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। महोत्सव आज पूज्य महाराष्ट्र जी के सानिध्य में बहुत ही धूमधाम के साथ यहाँ नेमावर घाट पर मनाया गया। नर्मदा जी जो निरंतर करुणा का प्रवाह है वो हम सभी को अपने वात्सल्य से विसंचित कर रही है, पर हम सभी लोगों को ये उत्सव आनंद के साथ में विवेक का सर्जक भी होवे, इस बात का संदेश भी हमको प्राप्त हो कि श्री नर्मदा जी को हमको स्वच्छ रखना है, पावन रखना है, शुचि रखना है। इस संकल्प के साथ, इसी विवेक के साथ आज का उत्सव सभी के लिए निकल विश्व सृष्टि के लिए मंगलमय हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।